हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अब आज सुबह मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो मेरे सामने ये न्यूज़ आई। ये है आज सुबह का गुजरात समाचार का न्यूज़पेपर का रीडिंग, और ये आर्टिकल मैंने आज सुबह ही गुजरात समाचार में देखा है। तो जिन जिन लोगों के पास गुजरात समाचार आता है वो ये न्यूज़ ज़रूर से चेक करना। इसमें लिखा है कि डिग्री इंजीनियरिंग में 6 ऐसी कॉलेज है कि जिसमें एडमिशन में बैन लग गया है, और 6 कॉलेज है कि जिसमें मान्यता ही नहीं है, मतलब वो क्राइटेरिया में ही नहीं आती है इंजीनियरिंग की। ठीक है, तो देखिए, डिग्री इंजीनियरिंग की जो ऑनलाइन सेंट्रल एजेंसी थी, मतलब जो एडमिशन कमिटी थी, उसने कॉलेज की फाइनल लिस्ट जाहिर कर दी है और सीट मैट्रिक जाहिर कर दी है, और उसके मुताबिक 6 कॉलेज ऐसे हैं कि जिसको नो एडमिशन जोन में रखा गया है। अब ये न्यूज़ मैंने ऑलरेडी क्रैक कर दी थी, बट इसमें जो मोस्टली थी वो डिप्लोमा की थी, बट ये पर्टिकुलर डिग्री इंजीनियरिंग के लिए होने वाली है, क्योंकि कॉलेज के पास GTU और अदर किसी भी काउंसलिंग की एफिलिएशन नहीं थी, तो इसीलिए उन लोगों को मान्यता ही नहीं दी है 6 कॉलेज को नो एडमिशन जोन में रखने के। इस रीजन से टोटल 1800 सीट है वो कम हो चुकी है, और उसके अलावा 6 कॉलेज ऐसी है कि जिसके पास यूनिवर्सिटी और काउंसिल का एफिलिएशन ही नहीं है, मतलब वो यूनिवर्सिटी में ही नहीं आती है। अगर इसमें हम नीचे पढ़ने जाए तो लिखा है कि एडमिशन कमेटी के उसके मुताबिक जो कॉलेज की लिस्ट है कि जिसके अंदर यहाँ पे पोरबंदर की डॉक्टर वी आर गोधानिया कॉलेज, जामनगर की कनेश्वरी इंस्टीट्यूट, मोड़ासा की तत्वा इंस्टीट्यूट, अमरेली की श्रीमती शांताबेन हरिभाई गजर इंजीनियरिंग कॉलेज, हिम्मतनगर की समर्थ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, और इसके अलावा 6 डिग्री इंजीनियरिंग को नो एडमिशन जोन में रखा गया है। और इसके अलावा साबरकांठा की अर्डेक्टा इंस्टीट्यूट, नवसारी की प्राइम इंस्टीट्यूट, सूरत की श्री धन्वंतरी कॉलेज, सूरत की है विद्यापीठ इंस्टीट्यूट सहित 4 कॉलेज ऐसी है कि जो GTU का एफिलिएशन अभी तक पेंडिंग है। यानी कि यहाँ पे जितने भी कॉलेज लिखे ना, इसमें क्या है कि इसमें जो GTU है वो भी मान्यता है, बट इसमें जो है बेसिक फैसिलिटी नहीं है, और बाकी यहाँ पे जो कॉलेज है यहाँ पे ऐसा है कि इसका GTU के साथ एफिलिएशन ही पेंडिंग है। यानी कि इन कॉलेज को आप कह ही नहीं सकते कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ है, तो इस तरह के यहाँ पे रीजन है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे काफी सारे मतलब क्राइटेरिया, मतलब नहीं जो क्राइटेरिया में आना चाहिए उसमें नहीं आता है, तो इसीलिए आप ये कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नीचे लिखा है कि यहाँ पे जो GTU की मान्यता है वो नहीं है, एफिलिएशन मिलने के बाद कॉलेज में उसको ऐड किया जा सकता है, जो उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि टोटल 1064। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने गुजराती में पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया है, मैं फटाफट से समझा देता हूँ कि यहाँ पे लिखा क्या है। वंस द कॉलेज गेट एफिलिएशन विद GTU दे विल अगेन स्टार्ट देयर एडमिशन प्रोसेस। यानी कि यहाँ पे कहना ये चाहता है कि जैसे ही आपका जो GTU का एफिलिएशन इन कॉलेज को मिल जाता है, ये सारी कॉलेज फिर से अपना एडमिशन स्टार्ट कर देती है, कर सकती है, और इसके लिए यहाँ पे ऊपर लिखा है कि 1800 जितनी बैठक में कमी आएगी। बट यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि मेरे जितने भी व्यूअर्स है वो इनमें से कोई कॉलेज में जाने वाले थे। अगर कोई ये कॉलेज में जाना चाहते हैं तो प्लीज इन सारी कॉलेज में मत जाना, क्योंकि अभी इस मतलब नाम एक तरह से खराब हो चुका है, तो इसीलिए प्लीज अवॉइड दिस कॉलेज फॉर एडमिशन। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। अगर आपको वीडियो रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।